नमस्कार। रुचिरा भाग एक द्वादशः पाठः। शीर्षक है दशमः त्वम् असि। दशमः यानी दसवां, त्वम् तुम, असि हो, दसवें तुम हो। कहानी है एक, दस बच्चे नहाने के लिए नदी पर जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो आपस में जब एक दूसरे को गिनते हैं तो जो भी बच्चा गिनता है वो खुद को नहीं गिनता, बाकी नौ बच्चों को गिनता है। और ये सोचकर कि हम नौ ही रह गए, एक बच्चा नदी में डूब गया, परेशान हो जाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। एकदा दश बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक बार दश बालकः, दस बच्चे, स्नानाय नहाने के लिए, स्नान के लिए, नदीम अगच्छन् नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन्होंने नदी जले, नदी के जल में चिरम देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किया। कितने बच्चे गए? दस। कहाँ गए? नदी पर। किस लिए गए? नहाने के लिए गए। उन्होंने नदी के जल में काफ़ी देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारंगतः, ततः तत्पश्चात, उसके बाद, स्नान के बाद, ते वे सब तीर्त्वा तैर कर पारंगता पार चले गए, नदी के दूसरे किनारे पर चले गए। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्। तब तेषाम उनके, उन बच्चों के, नायकः मीन्स लीडर ने, नायक ने पूछा, ग्रुप लीडर जो था, अपि सर्वे बालकः नदीम उत्तीर्णः। अपि मीन्स क्या, अपि का अर्थ वैसे भी होता है, लेकिन यदि किसी सेंटेंस के, वाक्य के शुरू में अपि लग जाए तो उसका अर्थ क्या होगा। क्या सब बच्चे नदीम उत्तीर्ण, नदी पार कर गए? क्या सब बच्चों ने नदी उत्तीर्ण कर ली, पार कर ली? तदा कश्चित बालकः अगणयत्। तब कश्चित किसी बच्चे ने गिना, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्टौ, नौ इति। बस कहाँ तक गिना? नौ तक। तब किसी बच्चे ने गिना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। सह स्वम न अगणयत। उसने स्वम, खुद को, अपने आप को, न अगणयत, नहीं गिना। अतः स अवदत, इसलिए वह बोला, नव एव संति, नौ ही हैं, दशमः नास्ति, दसवां नहीं है। अपरः अपि बालकः, पुनः अन्यान बालकान अगणयत। अपरः मीन्स दूसरा। अपरः अपि बालकः, दूसरे बच्चे ने भी, पुनः दोबारा, अन्यान बालकान, दूसरे बच्चों को अगणयत, गिना। फिर दूसरे बच्चे ने कहा, लो मैं गिनता हूँ, तुमने गलत गिने होंगे। तब दूसरे बच्चे ने पुनः उन बच्चों को गिना। तदापि नवेवासन, तो भी नौ ही थे। क्यों? उसने भी वही गलती करी, खुद को नहीं गिना उसने भी। अतः ते निश्चय अकुर्वन्, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया, ये सोच लिया, यत कि दशमः नद्याम मग्नः, कि दसवां नदी में डूब गया है। ते दुखितः तुष्णीम अतिष्ठन्, वे दुखी होकर तुष्णीम चुपचाप बैठ गए। कर भी क्या सकते हैं, अब दसवां बच्चा कहाँ गया, नदी में डूब गया, अब घर कैसे जाएं। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई पथिक, यात्री, राहगीर, पथिक वहाँ आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। सह उसने तान बालकान, उन बच्चों को, दुखितान दुखी, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, उसने उन बच्चों को दुखी देखकर अपृच्छत् पूछा। बालकः युष्माकं दुखस्य कारणं किम्, बच्चों तुम्हारे दुख का क्या कारण है, यानी तुम क्यों दुखी हो रहे हो, कैसे सैड बैठे हो। बालकानां नायकः अकथयत्। बालकों के नायक ने, लीडर ने कहा, वयम दश बालकः स्नातुम आगतः, हम दस बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम नवेव समः, अब नौ ही हैं। एकः नद्यां मग्नः, एक नदी में डूब गया है। इति, ऐसा, ऐसी बात है, आए तो हम घर से दस बालक नहाने के लिए थे और अब हम नौ ही हैं। पथिकः तान अगणयत्, पथिक ने उनको गिना। तत्र दश बालकः एव आसन्, वहाँ दस बच्चे ही थे। सह नायकम् आदिशत त्वं बालकान् गणय। सह उसने, उसने किसने, पथिक ने, उसने नायक को आदेश दिया,
त्वं बालकान गणाय, तुम बच्चों को गिनो। सह तु नव बालकान एव गणयत, उसने तो फिर नौ ही बालक गिने, वो फिर से वही गलती कर रहा है नायक भी। बच्चे जब भी आपस में गिन रहे हैं, खुद को नहीं गिनता कोई भी बच्चा। सह तु, उसने तो नव बालकान एव गणयत, नौ बच्चों को ही गिना। तदा पथिक अवदत, तब पथिक बोला, दशमः त्वमसि, दसवें तुम हो। इसलिए पाठ का शीर्षक क्या है, दशमः त्वमसि, दसवें तुम हो। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, प्रहृष्टः, खुश होकर, भूत्वा मीन्स होकर, प्रहृष्टः मीन्स खुश, यह सुनकर खुश होकर सर्वे सब गृहम अगच्छन्, घर चले गए। अभ्यास कार्य, उच्चारणम कुरुत, संख्यावाची शब्दों को सिखाया गया है यहाँ, एक से दस तक। एक से चार तक तीनों लिंगों में शब्द रूप चलते हैं। पुल्लिंग में एक को कहते हैं एकह, दो को कहते हैं द्वौ, तीन को त्रयः और चार को चत्वारः। एकह, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। स्त्रीलिंग में एक के लिए एका, दो के लिए द्वे, तीन के लिए तिस्रः, चार को चतस्रः। एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः। और नपुंसकलिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। चार तक हमें इसको समझना है और तीनों लिंगों में इसको याद करना है। चार से आगे, पाँच से दस तक, ग्यारह बारह बीस तक सब एक जैसा, तीनों लिंगों में सेम समान चलती है, कोई अंतर नहीं होगा। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, तीनों लिंगों में समान। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकः, कति मीन्स कितने, कितने बच्चे नहाने के लिए गए थे, उत्तर है दश, दस बच्चे। ते स्नानाय कुत्र गच्छन्, स्नान के लिए कहाँ गए, आंसर है नदीम। ते कम निश्चय अकुर्वन, उन्होंने क्या निश्चय किया, उन्होंने निश्चय किया कि दशमः तु नद्याम मग्नः। मार्गे कः आगच्छत्, रास्ते में कौन आया, पथिकः, एकः पथिकः। पथिकः किम अवदत्, पथिक क्या बोला, दशमः त्वमसि। शुद्ध अशुद्ध, राइट है तो राइट लगाइए, गलत है तो क्रॉस का चिन्ह लगाइए। दस बालक नहाने के लिए गए, राइट, राइट चिन्ह है। दूसरा है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन, सब बगीची में, बगीचे में घूमने लगे, गलत। ते वस्तुतः नव बालकः एव आसन, वे वास्तव में नौ बच्चे ही थे, गलत है, दस थे। बालकः स्वम न अगणयत, बालकः स्वम न अगणयत, बच्चे ने खुद को नहीं गिना, ठीक है ये सेंटेंस, राइट का निशान आएगा। एकः बालकः नद्याम मग्नः, एक बच्चा नदी में डूब गया, नहीं, गलत। ते सुखितः तुषणीम अतिष्ठन, वे सुखी होकर चुपचाप बैठ गए, गलत है, दुखी होकर बैठे थे। कोऽपि पथिकः न आगच्छत, कोई भी यात्री नहीं आया, गलत है, यात्री आया था, गलत। नायकः अवदत् दशमः त्वमसि इति, नायक बोला दसवें तुम हो। ये थोड़ा ध्यान से देखने का है ये सेंटेंस, ये नायक नहीं बोला था, ये पथिक बोला था, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। लास्ट है ते सर्वे प्रहृष्टः भूत्वा गृहम अगच्छन्, वे सब खुश होकर घर चले गए, राइट। मंजूषा से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहले अर्थ जान लें, गणयित्वा मीन्स गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्ट्वा देखकर, कृत्वा करके, गृहीत्वा लेकर, तीर्त्वा तैरकर, क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग है इन सब में। पहला है ते बालकः डैश नद्याम उत्तीर्णः, वे सब बालक तैर कर नदी पार गए, तो आएगा तीर्त्वा, तैर कर की संस्कृत तीर्त्वा, लास्ट ऑप्शन। पथिकः बालकान दुखितान दृष्ट्वा पृच्छत्, पथिक ने बच्चों को दुखी देख कर पूछा, दृष्ट्वा। तीसरा पुस्तकानि गृहीत्वा, गृहीत्वा मीन्स लेकर, किताबें लेकर विद्यालय जाओ। नेक्स्ट है पथिकस्य वचनम श्रुत्वा, पथिक के वचन सुनकर सब खुश होकर घर चले गए। पथिकः बालकान, पथिक ने बच्चों को गणयित्वा गिनकर कहा, दसवें तुम हो।
चित्राणि दृष्ट्वा संख्यां लिखत। चित्रों को देखकर हमें संख्या जो पहले प्रश्न में हमने सीखी है वो भरनी है। यदि चार से ज़्यादा हैं तो सिंपल, चार से कम हैं तो हिसाब करना पड़ेगा। आठ दिखाई दे रही हैं तो अष्टकंदुकानी, उसके नीचे एक किताब है पुस्तकम, नपुंसक लिंग वर्ड है, तो हमें जो एक लिखना है वो नपुंसक लिंग का लिखना है, यानी एकम, एकम पुस्तकम। आगे दिखाई दे रही हैं चटकाह, चटका शब्द स्त्रीलिंग होता है, तो तीन है, तीन की स्त्रीलिंग शब्द के लिए तिस्रह, तिस्रह चटकाह। मयूरव, दो मोर हैं, पुल्लिंग शब्द है द्वौ मयूरव। बालिके, दो लड़कियां हैं, स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे बालिके। कबूतर हैं, चार से ज्यादा हैं, पांच हैं, सिंपल पंच कपोतः, कोई सा भी लिंग हो, पुल्लिंग है तो भी पंच, पंच कपोतः। ऐसे ही ताला, सिक्स हैं, षट ताला, षट भी हो सकता है, षट भी हो सकता है। पत्राणी, दो चार छः दस दिखाई दे रहे हैं, दश पत्राणी, दशानी नहीं करना यहाँ, दश पत्राणी। थैंक यू।